बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन नगर्स बनाना सिखाऊंगी चिकन ब्रेस्ट के साथ, और इसका जायका आपको बिल्कुल मैकडोनल्ड के चिकन नगर्स के जैसा महसूस होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन ब्रेस्ट 1 किलो, इसे आप 2-2 इंच के छोटे छोटे पीसीज में काट लीजिएगा, और 1.5 कप मैदा, 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, और थाइम 1/2 टीस्पून, और नमक हसबे जायका, और स्पार्कलिंग मिनरल वाटर चाहिए होगा नगर्स का बैटर तैयार करने के लिए। ये पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और तलने के लिए तेल चाहिए होगा। सबसे पहले आप नगर्स का बैटर तैयार करने के लिए मैदे में कॉर्नफ्लोर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, थाइम और नमक और अंडे डाल लें, और स्पार्कलिंग मिनरल वाटर के साथ अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। अच्छी तरह से बैटर तैयार कर लें, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और अब आप चिकन को इसमें डिप करके तेल में डालते जाएं, और गोल्डन ब्राउन करके निकालते जाएं। मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप इन्हें निकाल लें, और इसी तरह से बाकी चिकन नगर्स भी बना लें। लीजिए, चिकन नगर्स तैयार हैं। इसे आप टार्टर सॉस और केचप के साथ सर्व करें, और टार्टर सॉस की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा और जरूर बनाइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर हर दिन सदका वाजिब है, जिसमें सूरज तुलू होता है, और लोगों के दरमियान इंसाफ करा देना भी सदका है, और सुलह कराना भी इंसाफ कराना है। यानी इस्लाम का मतलब इंसान अपनी जात में अपने आसपास वालों के लिए रहमत और आफियत का सबब होता है। इसका वजूद इस घने दरख्त की तरह होता है, जिसकी छांव अपने नीचे आने वाले हर शख्स के लिए राहत और आराम का सबब होती है। इसका किरदार इसके अकीदे का अक्स होता है। इसलिए अगर कोई शख्स लोगों के दरमियान सुलह के लिए कोशिशें करता है, तो ये इस बात का इजहार है कि वो एक इंतहाई बुलंद इखलाक और किरदार का मालिक है। लोगों में सुलह कराने वालों के बड़े दर्जे हैं। इस दुनिया में भी हर शख्स उनकी इज्जत करता है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता करेगा। कुरान पाक में इरशादे बारी ताला है,
और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, और अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। बस जब वो लौट आए तो इंसाफ के साथ दोनों में सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। एक और जगह फरमाया, इन लोगों के बहुत से मशवरों में कोई खैर नहीं, हाँ जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बहुत सा सवाब देंगे। एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि रोजा सदका और नमाज से भी दर्जे में अफजल चीज क्या है। हमने अर्ज किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है आपस में सुलह करा देना, और आपस में फसाद डालना वो फेल है जो तमाम नेकियों को मोड़ने वाला है। दीने इस्लाम में सुलह की बहुत अहमियत है। हदीस में आता है, झूठ सिर्फ तीन मवाकों पर जायज है, मर्द का अपनी बीवी को राजी करने की गर्ज से झूठ बोलना, जंग में झूठ बोलना, और लोगों के दरमियान सुलह कराने की गर्ज से झूठ बोलना। एक और हदीस शरीफ में आया है कि वो शख्स झूठा नहीं जो लोगों के दरमियान इस्लाह करे, भली बात कहे और नेक बात पहुंचाए, यानी ऐसी बात कहे जो बनाओ और सुलह में मददगार साबित हो, और एक दूसरे की तरफ से वो बात कहे जिससे उसकी नाराजगी दूर हो सके और वो बहम एक दूसरे से करीब हो सके। सुलह की अहमियत इस बात से जाहिर होती है कि एक बार किसी मौका पर कुछ लोगों के दरमियान सुलह कराने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर हो गई कि नमाज का वक्त भी निकलने लगा और सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ने नमाज की इमामत शुरू कर दी। इसके मुकाबले में वो लोग हैं जो अपने दुनियावी मफादात के लिए मुख्तलिफ हीलों बहानों से लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करते हैं। ऐसे लोग चाहे बज़ाहिर बहुत दीनदार हों लेकिन ये ईमान की रूह से खाली हैं। ऐसे लोग इंतहाई मुहलिक और माशरे का नासूर हैं। यकीनन आखरत में इनकी पकड़ बहुत सख्त होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें लोगों के दरमियान सुलह करवाने वाला बनाए, ना कि इख्तलाफात बढ़ाने वाला बनाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।